हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? तो फिलहाल आप सोच रहे होंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो गाड़ी में हूँ मैं, दीदी है, अथर्व है, भाई साहब है और वंश है। तो फिलहाल मैं जहाँ जा रही हूँ तो आपको ब्लॉग को पूरा देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ कभी मैं बचपन में गई थी और आपको कुछ कुछ आइडिया लग गया होगा देख के कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो फिलहाल हम जहाँ जा रहे थे तो दीदी की मायके साइड की पूरी फैमिली थी, उनके तो भाई गाइस इस वगैरह, वीडियो में आप लोग भाभी सबसे और जुड़ रहे हैं भी अपना लोग थे, फर्स्ट काफ़ी एक्सपीरियंस सारे जब थे मैं और बच्चे वैष्णो भी देवी काफ़ी गई थे। थी। और वैसे मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी, लोग वैष्णो देवी जाते हैं, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो मेरा अलग ही एक्सपीरियंस था। पहली बार इतनी लंबी चढ़ाई करना माता रानी का नाम लेके, और जो हमने यूज़ किया था वो था नया रास्ता। तो जम्मू तक पहुँच गए थे, उसके बाद हमने बैटरी कार ली, बैटरी कार लेके उसके बाद फिर हमने कपड़े वगैरह चेंज करे, नहा धो के फिर हम लोग चल दिए थे अपनी पैदल यात्रा पे। तो यहाँ पे दीदी हैं और उनकी फैमिली है, तो धीरे धीरे ये लोग सब आ रहे थे। एक पास बनवाना होता है वो स्टार्टिंग में जम्मू के वहाँ, सॉरी जब हम लोग आते हैं जम्मू की तरफ से तो तभी पास बनवाना होता है। तो फिलहाल हमने ये नया वाला रास्ता चूज़ किया था चढ़ने के लिए, और ये नया वाला रास्ता बहुत ही अच्छा था। एक तो यहाँ पे गंदगी नहीं थी, जो पुराने रास्ते में होती है वो मैंने आते टाइम देखा था क्योंकि आए थे हम पुराने रास्ते से, लेकिन ये नए वाले रास्ते में बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा सफाई थी, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। और पीछे दीदी आ रही, दीदी की भी हालत थोड़ी ख़राब हो गई थी, बहुत धीरे 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 चल के आ रही थी। और यहाँ पे थोड़ी दूर तक तो मुझ में जोश रहा था कि हाँ नहीं नहीं चल देंगे चल देंगे, लेकिन आगे जाके काफ़ी थक गए थे। तो मैं तो उठते बैठते लौटते हुए धीरे धीरे करके अर्धकुंवारी तक पहुंच गए थे। तो फिलहाल मैं वहाँ का ये वीडियो व्यू वगैरह कैप्चर कर रही थी क्योंकि मैं पहाड़ों में सेकंड टाइम गई। और हम लोग पहुँच गए थे यहाँ पे अर्धकुंवारी। तो अर्धकुंवारी में मतलब मैं जैसे आपको बताया कि मैं फ़र्स्ट टाइम गई हूँ, तो ये व्यू देख के मैं तो जैसे कहना पागल सी, मैं तो उस तरीके से हो गई थी कि कितना अच्छा था। लेकिन गर्मी बहुत थी, व्यू काफ़ी अच्छा था लेकिन गर्मी उमस वहाँ बहुत ज़्यादा थी। और ये कुछ दिन पहले की वीडियो, जब वहाँ पे नए वाले रास्ता बंद कर दिया गया था उसके मतलब पहले की वीडियो है ये वाली जो हम लोग गए थे। तो फिलहाल हम लोग अर्धकुंवारी पहुँचे थे। अब मैंने सोचा दीदी से बोल दूँ कि गुफा वगैरह में जाना है जो यहाँ पे दर्शन करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो नंबर चल रहा था 300 के राउंड था और हमारा नंबर था 560, तो वो नेक्स्ट डे नाइट में 1-1 बजे के राउंड आता। और हम लोगों ने गलती ये कर दी थी, हम लोगों ने ऑनलाइन वगैरह बुकिंग नहीं करी थी। तो हम लोग पहुंच गए थे रात के टाइम ही माता रानी के भवन में। तो फिलहाल हम लोग ऊपर पहुंच गए थे और हमने करी थी बैटरी कार। अर्धकुंवारी तक हम लोग पैदल आए थे नए रास्ते से, उसके बाद बैटरी कार कर ली थी, फिर धीरे धीरे करके हम लोग ऊपर पहुँच गए थे। तो फिलहाल ये है माता रानी का भवन, और आप लोग देख सकते हैं कितना, इसके आगे कहते हैं ना हर चीज़। और मॉर्निंग का व्यू था, लोग सारे बाबा के भी दर्शन भी बहुत अच्छे से हुए थे। और फर्स्ट एक्सपीरियंस था, अगर मैं उन लोगों से कहूँगी कि लोग जाएँ तो प्लीज़ नया वाला रास्ता चूज़ करें, पुराने से ना जाएं, क्योंकि पुराने वाले पे एक तो जो खच्चर वगैरह होते हैं, घोड़े वगैरह जो भी होते हैं, उनसे लोग बाग इतने आते जाते रहते हैं, इतनी भीड़ रहती है, ऊपर से फिर इतनी गंदगी उस वाले रोड पे। तो कोशिश करें कि नया वाला रास्ता चूज़ करें। तो गाइस ब्लॉग में बने रहिए। तो हम लोग यहाँ पे माता रानी के दर्शन वगैरह करने के बाद फिर चले गए थे भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। हम लोग जा रहे करने के बाद अपने चलो अच्छा रुको बेटा, चाचू सुधर हो गया, चलेंगे थोड़ी बहुत देर में दर्शन करके फिर चलेंगे, ठीक है? ओके क्या दर्शन करके चलेंगे अभी थोड़ी देर में। यात्रा के बैठे हुए
भूल जाओगे पहले होगा तीन उनका तो गाइज यहाँ पे हो रही है बारिश और टाइम हो रहे हैं 11:30 के अराउंड और हम लोग कल शाम के टाइम निकलेंगे, रात के टाइम मतलब हमारी ट्रेन है रात की और मौसम अचानक से बदल गया यहाँ पे आप देख सकते हो। तो गाइज आगे की वीडियो में कैप्चर वगैरह नहीं कर पाई थी क्योंकि हम लोग नेक्स्ट डे नाइट में निकल आए थे घर के लिए और घर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, ऊपर से थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो गई थी अथर्व की भी और मेरी भी शायद गर्मी की वजह से। तो घर पे आके फिर मैंने कन्या वगैरह बिठाई थी, मैंने नेक्स्ट डे बिठाई थी, आते ही तो नहीं बिठाई थी लेकिन नेक्स्ट डे बिठाई थी मैंने कन्या। और कन्या वगैरह बिठाने के बाद अच्छे से प्रसाद वगैरह उन लोगों को खिलाया मैं। तो गाइज बस यही मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। ऐसे मैं हर बार बोलती हूँ लेकिन हर बार कोई कमेंट नहीं करता, इट्स ओके, धीरे धीरे करने लगेंगे लोग। वक्त तो चलिए गाइज, थैंक यू सो मच।